क्वेश्चन नंबर फाइव हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर फाइव पहले का पांच जो है वो लिखा है साइन टू एक्स, फिर लिखा है फोर ई की पावर थ्री एक्स। इसको दो बार में करेंगे, एक बार साइन टू एक्स का, एक बार फोर ई की पावर थ्री एक्स का। तो देखिए यहाँ साइन टू एक्स है ना, तो देखिए साइन लाना है तो कॉस से इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स कॉस टू एक्स इज इक्वल कितना हो जाएगा, कॉस का हुआ माइनस साइन 2x, और 2x का जब अवकलन निकाले तो कितना हुआ ओनली 2। अब इसके बाद हमें साइन 2x बस चाहिए, तो क्या करेंगे साइन 2x रखेंगे, बाकी वैल्यू इधर आ जाएगी। तो 2 इंटू में तो इधर डिवाइड आया माइनस के साथ, तो 1/2 माइनस कॉस 2x, ब्रैकेट लगा दीजिए यहाँ पे, और डी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू साइन 2x। ठीक है, इसके बाद क्या करना है देखिए, समाकलन निकाल देते हैं। तो साइन टू एक्स का समाकलन, साइन टू एक्स का समाकलन एक बार साइन टू एक्स का, फिर एक बार फोर ई की पावर थ्री एक्स का निकालेंगे। तो साइन टू एक्स का समाकलन क्या होगा, ये जितना है माइनस 1/2 कॉस 2x, प्लस यहाँ पे सी वन कर देंगे, दो बार दो टर्म है तो एक बार सी वन फिर एक बार सी टू ले लेंगे। इस बार आप ई की पावर थ्री एक्स का निकालते हैं, तो क्योंकि ई की पावर जितनी ही वैल्यू होगी उसको वही ई की पावर अगर दी है तो सेम निकालें आप कलन, तो d अपॉन डी एक्स ई की पावर 3x। ठीक है, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, फिर पुट कर देंगे यहाँ ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे जब निकालेंगे की पावर 3x का, क्योंकि आपको पता है e की पावर 3x का जो अवकलन होता है d अपॉन डी एक्स, अगर e की पावर x निकालें तो कितना होता है e की पावर x। ठीक है, ये सच दैट मेंशन कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे यहाँ पर भी मैंसन कर सकते थे कि साइन डी अपॉन डी एक्स इज इक्वल क्या होता है कॉस 2x या कॉस कॉस, और कॉस का अवकलन क्या होता है साइन, बट यहाँ किसका निकालना था हमें साइन का निकालना था, ये कॉस का निकालना था साइन हुआ था हमने साइन का। तो आप फार्मूले मेंशन भी कर सकते हैं ऐसे, डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स कितना हो जाएगा कॉस एक्स। चलिए ये फार्मूले लगे हैं, मतलब यहाँ पे यहाँ कॉस का कितना हो गया, कॉस का क्या होता है साइन होता है, कॉस का क्या हो गया माइनस साइन। ठीक है, कॉस का माइनस यहाँ साइन, साइन माइनस ले लीजिए। ऐसे ही यहाँ ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होता है, और एक्स का अवकलन वन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ई की पावर थ्री एक्स का ई की पावर थ्री एक्स इंटू थ्री लिखेंगे, ये जो लिखा है थ्री एक्स का भी अवकलन थ्री हो जाएगा, जितने भी एक्स होंगे सबका अवकलन निकालना है। इसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ ई की पावर थ्री एक्स चाहिए, तो डिवाइड में आएगा तो 1/3 ब्रैकेट डी अपॉन डी एक्स ई की पावर थ्री एक्स ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू ई की पावर थ्री एक्स। ये अवकलन हुआ कंप्लीट, अब करेंगे हम समाकलन। तो समाकलन में लिखेंगे की पावर थ्री एक्स इज इक्वल टू डी एक्स, जरूर लिखिएगा, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं तो यहाँ पे भी लिख देता हूँ डी एक्स। ठीक है, एक्स के सापेक्ष हो रहा है तो डी एक्स लिखना पड़ेगा। इसके बाद क्या करिए, इसका जो समाकलन निकला है कितना आया है 1/3 ई की पावर थ्री एक्स। आप डी अपॉन डी एक्स को यहाँ बाहर रख दिए तो भी दिक्कत नहीं है, डी अपॉन डी एक्स को बाहर रख के 1/3 अंदर दिखा सकते हैं, 1/3 ई की पावर थ्री एक्स। इसको हमने मान लिया सी टू इक्वेशन सेकंड। अब इसमें हम समाकलन निकालते, जो हमारा क्वेश्चन था इसका समाकलन टोटल निकालें अगर, तो यहाँ रखेंगे साइन टू एक्स माइनस फोर ई की पावर थ्री एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे डी एक्स लगाएंगे साइन टू एक्स का, अगर हम इसको ऐसे तोड़ दें साइन टू एक्स डी एक्स, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, माइनस फोर ब्रैकेट ई की पावर थ्री एक्स डी एक्स। अब साइन टू एक्स का देख लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में दिया है ये माइनस 1/2 कॉस टू एक्स प्लस सी वन, तो आप यहाँ पे मेंशन करिए माइनस 1/2 कॉस टू एक्स प्लस सी वन, फिर माइनस है तो माइनस फोर ई की पावर थ्री एक्स का जो समाकलन है ये देखिए आपको यहाँ पर मिलेगा इंटू 1/3 ई की पावर थ्री एक्स प्लस सी टू। ठीक है, अब क्या करिए, इस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ रखिए और सी वन प्लस सी टू कर देंगे। ठीक है ना, माइनस 1/2 कॉस टू एक्स माइनस फोर वन जा 4/3 ई की पावर थ्री एक्स प्लस सी वन प्लस सी टू, ऐसे कर देंगे। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, सी वन प्लस सी टू अलग अलग टर्म थे तो टोटल इनकी जो वैल्यू होगी वो लिख देंगे कॉन्स्टेंट टर्म के साथ, 2x माइनस 4/3 ई की पावर 3x अब प्लस सी हो जाएगा।
और इस प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर आपका पांचवा होगा, पहले का पांचवा हो जाएगा सॉल्व। ठीक है, तो तरीका वही है जो पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने का था, सेम टू सेम करना, बस इसमें दो टर्म थे, तो पहले को एक बार करना, फिर दूसरे को, फिर लास्ट में इनको अकॉर्डिंग टू सिंबल पुट कर देना है। ठीक है।